नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज 14 दिसंबर है और 14 दिसंबर को राज कपूर का जन्मदिन है, हम उन्हें याद करेंगे। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ था पेशावर में। समुद्री कहते हैं उस जगह को जहां उनका जन्म हुआ था। और अभी पिछले दिनों ये किस्सा मशहूर था, जिसको कई बार मैं शेयर कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान में जो उनका पुश्तैनी मकान था उसको अभी पाकिस्तान सरकार ने कीमत लगाई है उसके, वो ख़रीदेंगे उसे म्यूज़ियम में तब्दील करेंगे। इसके साथ ही हम यह भी याद करते रहें कि यहाँ मुंबई में चैम्बूर में जो उनका आर के स्टूडियो था वह उनके बेटों की लापरवाही की वजह से जल गया और फिर बाद में बिक गया एक अचल संपत्ति के तौर पर। वास्तव में आर के स्टूडियो सिर्फ एक अचल संपत्ति नहीं थी, आर के स्टूडियो हमारी विरासत का एक बड़ा हिस्सा रहा। और अगर उसको संजो कर रखा जाता, उसे बचा कर रखा जाता, उसमें हमारी सरकार, उनका परिवार और यह समाज थोड़ा सा सक्रिय होता, जागृत होता, तो इसको एक बड़े धरोहर के तौर पर बचाया जा सकता था। यह जिंदा मिसाल होती हमारे लिए, इतिहास होता जहाँ जाके हम देख और पढ़ सकते थे, खास करके लोकप्रिय सिनेमा के विकास को। मूल बात राज कपूर की है, राज कपूर के बहाने ये बात याद करनी थी। राज कपूर का आप किस रूप में याद करना चाहेंगे? राज कपूर शोमैन के तौर पर मशहूर हैं, राज कपूर जोकर के तौर पर मशहूर हैं, राज कपूर चार्ली चैपलिन की भूमिकाओं के लिए मशहूर हैं, राज कपूर की अनेक छवियाँ हैं, कुछ उसमें खिलंदर छवियाँ हैं, कुछ उसमें उनकी शरारती छवियाँ हैं, कुछ उनकी बहुत ही प्रेरक और उत्साहवर्धक छवियाँ हैं जो उन्होंने फिल्म मेकर के तौर पर विकसित की। उन पर कई सारी किताबें आ चुकी हैं। अभी पिछले दिनों रितु नंदा जी की भी किताब आई, जो उनकी बेटी हैं, जो उन्होंने तमाम इंटरव्यूज़ के आधार पर लिखा था। मधु जैन ने बहुत पहले एक किताब लिखी थी कपूर के नाम से, जिसमें कपूर परिवार के सभी सदस्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी, वहाँ भी एक अच्छा विश्लेषण है। राज कपूर पर और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि राज कपूर का संपूर्ण अध्ययन नहीं हो सका है। उन पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उनके फिल्मों के विश्लेषण की ज़रूरत है, ख्वाजा अहमद दब्बास से उनकी संगत की ज़रूरत है, वसंत साठे की भूमिका, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, तमाम इंदर राज आनंद आदि ने उनके जीवन में क्या भूमिकाएं निभाई हैं। मुझे लगता है कि अभी जयप्रकाश चौकसे साहब जो इंदौर में रहते हैं इन दिनों और जो दैनिक भास्कर में नियमित कॉलम लिखते हैं पर्दे के पीछे, वे इस पर अगर थोड़ा फोकस करें और उनकी यादों को भी अगर इंदौर का कोई व्यक्ति समेटे तो बहुत सारी चीज़ें बचा के रखी जा सकती हैं। हालांकि वे अपने कॉलम में, अपने जो लगातार स्तंभ लिखते हैं उसमें जब तक राज कपूर जी की चर्चा करते हैं, उनके किसी प्रसंग की चर्चा करते हैं, लेकिन उसको एक विधिवत एक किताब के तौर पर लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी उन यादों को, उनके उन कृतियों को, उनके उन कर्तव्यों को, उनके उन गतिविधियों को रेखांकित किया जा सके, शब्दांकित किया जा सके और लिखा जा सके। राज कपूर के व्यक्तित्व की अनेक बातें हैं जो मैंने पहले भी कहा, और एक शोमैन के तौर पर हम उनको बहुत याद करते हैं, और हिंदी सिनेमा के पहले शोमैन हैं वे। देव आनंद, दिलीप कुमार और राज कपूर, इनकी तिकड़ी ने सबसे पहले स्टारडम को हिंदी फिल्मों में स्थापित किया, और तीनों की अलग अलग दिशाएं थी, तीनों ने जम के हिंदी सिनेमा को विकसित किया, प्रभावित किया और उसकी नींव रखी एक तरीके से। राज कपूर को पढ़ते हुए, देखते हुए और उनको समझते हुए मैंने जो महसूस किया वो यह है कि सबसे पहले तो उनको अपने पिता की ग्रंथि थी। इस बात को पता नहीं आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन अपने फादर के कॉम्प्लेक्स में थे हुए और फादर की ग्रंथि की वजह से पिता की छाया से बाहर निकलना चाहते थे। पृथ्वीराज कपूर के बारे में आज उनके कद्दावर व्यक्तित्व के बारे में कल्पना करना नई पीढ़ी के लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर आप उस दौर को याद करें और पृथ्वीराज कपूर का अपना जो प्रभाव था, धीरे धीरे उन्होंने जो विकसित किया था, जैसी भूमिकाएं उन्होंने की थी, जो उनकी एक्टिंग स्टाइल थी, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हिंदी फिल्मों पर था
कि राज कपूर उनके परिवार के सदस्य होने, उनके बेटे होने के बावजूद उनसे बाहर निकलना चाहते थे। और इस बाहर निकलने में ही सबसे पहला प्रयास उन्होंने किया कि उन्होंने जो फिल्में बनाई, जिन फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, उसमें पृथ्वीराज कपूर की कोई झलक नहीं रहने दी। दोनों का व्यक्तित्व अगर पर्दे का याद करें आप, एक कद्दावर व्यक्तित्व, एक ऊंची आवाज़, एक पारसी रंगमंच शैली में बोलता अभिनेता, और दूसरी तरफ बिल्कुल सहज सरल और हमारे बीच का एक अभिनेता। इन दोनों के फ़र्क को आप समझ सकते हैं। आप कैरेक्टर भी याद करें ना, पृथ्वीराज कपूर ने अकबर की भूमिका निभाई, पृथ्वीराज कपूर ने सिकंदर की भूमिका निभाई, पृथ्वीराज कपूर ने अनेक चरित्रों की भूमिका निभाई, अनेक ऐतिहासिक चरित्रों की भूमिका निभाई, लेकिन राज कपूर क्या करते रहे? आग में, आवारा में, बरसात में, वे हमारे आसपास के युवक थे। आवारा में तो अपने पिता के साथ थे फिल्म के अंदर, और कैसे उनके खिलाफ जाते हैं, यह विरोध उनकी फिल्मों के उनके किरदारों में आप देख सकते हैं, उनकी चॉइस में देख सकते हैं, जहां वे अपने को रजिस्टर कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपने पिता की मुखालफत कर रहे थे। पिता और उनके बीच का संबंध बहुत अच्छा नहीं था, यह उनकी जीवनी से भी पता चलता है। हालांकि पिता का अपना प्रभाव था, पिता चाहते तो उनका कैरियर आज की तरह लॉन्च करवा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, नीचे से शुरुआत करो। इसी वजह से उन्होंने केदार शर्मा के पास भेजा था उनको, और केदार शर्मा के पास आप जानते हैं कि जैसे वो एक क्लैपर बॉय, ऑफिस बॉय के तौर पर उन्होंने काम किया, और जहाँ उन्हें वह चाहता हुआ पड़ा था जोरदार, और उनकी एक भूल की वजह से, उनकी एक गलती की वजह से, और लेकिन उसके कंपनसेशन के तौर पर, उसके मुआवजे के तौर पर केदार शर्मा ने उन्हें फिल्म दी थी, पहली फिल्म नीलकमल, जहां से उनका स्टारडम आरंभ होता है। राज कपूर फिल्मों के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध थे, समर्पित थे, और आजीवन वे इसी के लिए काम करते रहे। उनकी फिल्में आप देख लें, शुरू की फिल्मों में उनके नेहरू का प्रभाव है, समाजवाद का प्रभाव है, ख्वाजा अहमद अब्बास का प्रभाव है, वे एक अलग किस्म का सिनेमा बना रहे थे, जहाँ पे समाजवाद की रेखाएं आपको मिलेंगी, समाजवाद के रेशे आपको मिलेंगे, और बाद में धीरे 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 वे कैसे तब्दील होते हैं और एक नया शिफ्ट लेते हैं अपनी फिल्मों में। और मेरा नाम जोकर उनके फिल्मों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर हम देख सकते हैं, जहां राज कपूर का व्यक्तित्व पूरी तरीके से पर्दे पर उभर के आया है, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने बहुत बारीकी से उभारा था। वहां पे आवारा में भी उन्होंने यही किया था, तो ख्वाजा अहमद अब्बास और राज कपूर की संगत पर भी बहुत बातें की जा सकती हैं कि कैसे उन दोनों ने ढाला। हम सभी जानते हैं कि राज कपूर की संगत हमेशा क्रिएटिव लोगों से रही, और वे सभी लोगों की बैठकी करते थे। राज कपूर का अपना जो कॉटेज था आरके का, वो बहुत ही मशहूर हुआ था। हमारे एक दोस्त फिल्म मेकर हैं, वे आरके कॉटेज पर फिल्म बनाना चाहते थे, और लेकिन ऋषि कपूर ने उनको अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट रुका रह गया। अब शायद उस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी गति आए, उन्हें यह फिल्म बनानी चाहिए। आरके कॉटेज वास्तव में वह क्रिएटिव गढ़ है, वह क्रिएटिव अड्डा है, जहाँ पे ये सारी फिल्में क्रिएट हुई, और जहाँ पे इतने कल्पनाशील और सृजनशील दिमाग एक साथ बैठते थे, और हर शाम उनकी बैठकें होती थी, और योजनाएं बनती थी, कहानियाँ बनती थी, संगीत बनता था, गीत बनता था, और बाकी सारी चीज़ें तय होती थी। हमें राज कपूर के प्रेमिकाओं, राज कपूर के प्रेम प्रसंगों की ही सिर्फ चर्चा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ उसी को याद नहीं करना चाहिए, वह भी उनके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जो उनका क्राफ्ट है, जिस तरीके से वो सिनेमा पर खुद को पेश करते हैं, आप देखें कि हालांकि देव आनंद ने भी बाद में फिल्मों का डायरेक्शन किया, लेकिन तब तक उनका प्राइम जा चुका था, और ऐसा कहते हैं कि दिलीप कुमार ने घोस्ट डायरेक्शन किया था गंगा जमुना का और कुछ एक फिल्मों का, लेकिन राज कपूर तो आग से ही 1946-47 से ही अपनी कैरियर की शुरुआत कर देते हैं निर्देशक के तौर पर, और लगातार फिल्में बनाते हैं, और
वजूद के साथ बनाते हैं, लेकिन जब जागते रहो बनाते हैं तो संभव मित्रा को बुलाते हैं। रे को लेके भी उनके मन में एक ग्रंथि थी कि वे चाहते थे कि रे जैसी मेरी फिल्में हों जो विदेशों में जाएं, फिल्म फेस्टिवल में जाएं, और इसी के लिए उन्होंने जागते रहो बनाई थी। बहुत सारी बातें हैं। राज कपूर की पहचान और राज कपूर पहचान की लालसा राज कपूर की, उसको अगर आपको नज़दीक से देखना समझना हो तो वो हृदय विदारक दृश्य याद करें जब वे दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली गए थे राष्ट्रपति भवन में, और कैसे जब उनके नाम की घोषणा हुई तो कुर्सी से उठते समय उनके पांव लड़खड़ा गए थे, वे फिर से कुर्सी पर बैठ गए थे, और यही देख करके तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकटरमन खुद मंच से उतर कर उनके पास आए, उन्होंने वहाँ उनको पुरस्कार दिया। यह सम्मान एक कलाकार का सम्मान था जिसमें एक शासन ने एक कलाकार को सम्मानित किया था, यह शायद आज मुमकिन नहीं हो, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि दिलीप कुमार के जन्मदिन के मौके पर जीवित हैं वे, 98 साल के हैं, किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने उनको विश नहीं किया। कितनी शर्म की बात है, जबकि वे लल्लू पंजू और छोटे मोटे सारे अभिनेताओं को बधाइयाँ दिया करते हैं और विश किया करते हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें चलती रहती हैं, और ये समय नए भारत का जो घोषित किया गया है वो बहुत ही विडंबनाओं से भरा हुआ है, बहुत ही विकृतियों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें आपको अपने विवेक से काम करते हुए साथ रहना है मेरे और हमारे, और उस प्रगतिशील सांस्कृतिक परंपरा को लेकर आगे बढ़ना है, उसे याद रखना है और उसे ज़िंदा रखना है। तो राज कपूर पर आज इतना ही, और आप देखें उनकी फिल्में, देखें उन्हें, याद करें, उनकी बातें करें और उनकी चर्चा करें। धन्यवाद।